ओबीसी महासभा ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने किया धरना प्रदर्शन। शिवपुरी में आज कलेक्ट्रेट परिसर के सामने ओबीसी महासभा संगठन ने दिया धरना प्रदर्शन। यहां जनगणना फॉर्मेट में ओबीसी का कॉलम जोड़कर ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना की जाए, यह मांग रखी जा रही है। और अगर मांग पूरी नहीं होती तो सड़क पर उतरकर आंदोलन भी ओबीसी महासभा संगठन द्वारा किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। पूरा मामला यह है कि संविधान में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए सामुदायिकों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के रूप से तीन वर्ग बनाए गए हैं। जनगणना में इन तीनों वर्गों की दशाओं के आंकड़े एकत्रित किए जाने चाहिए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की गणना तो होती है, किंतु अन्य पिछड़ा वर्ग की नहीं होती, क्योंकि जनगणना फॉर्मेट में ओबीसी का कॉलम है ही नहीं। वहीं ओबीसी महासभा द्वारा कई बार प्रति माह ज्ञापन दिया जाता था, पर कोई शासन प्रशासन द्वारा सुनवाई नहीं होती। फलस्वरूप ओबीसी वर्ग की जनसंख्या तथा उसकी परिस्थितियों का आंकलन नहीं हो पाया। ओबीसी महासभा द्वारा एक ही मांग की जा रही है, जो केवल 2021 की जनगणना के फॉर्मेट में कॉलम 13 में ओबीसी के लिए 3 और अन्य के लिए 4 लिखने का विकल्प बनवाने हेतु सभी राज्य सरकारें मूवी की जनगणना हेतु राज्य विधानसभा प्रस्ताव पास करवाकर केंद्र सरकार को पहुंचाया जाए, जिससे ओबीसी समाज की भारत देश के नागरिक व मतदाता होने के नाते जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी प्राप्त कर सके। आज जो धरना प्रदर्शन किया है, किस प्रकार का धरना प्रदर्शन? ये धरना हमारा 2021 की जो जनगणना है उसमें पिछड़े वर्ग का जो कॉलम नहीं है अभी तक, सामान्य कोटे से हमको डालते हैं, जैसे एससी और एसटी का जो कोटा है, जो फार्म होता है उसमें जनगणना का, उसमें हमारा ओबीसी का कॉलम होना चाहिए। अगर कॉलम नहीं है हमारा तो हम इस जनगणना 2021 का बहिष्कार करेंगे। और इसी को लेकर जो और हमारी मांगे हैं, कागज के साथ सके जो असमंदा क्रीम लेयर है वो हमारे ऊपर लगाई जा रही है, उसको हटाया जाए। और शासन और केंद्र शासन इसमें हमारी जो जनसंख्या का कॉलम उसमें फार्म में जोड़ा जाए, तभी हम इस जनगणना में हिस्सेदारी करेंगे, नहीं तो इसका बहिष्कार करेंगे। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आप क्या करोगे? हम यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अभी हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर सड़कों पे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे शासन, और जिसमें सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की। अगर इस वक्त अगर आपकी मांगें अगर पूरी नहीं होती तो आपका ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन तक चलेगा, और भी हम सड़कों पे उतर के आंदोलन करेंगे, और भी प्रोग्राम बनेगा, और हमारे कई काम कर रहे हैं देश में, पूरे पिछड़े संगठन पिछड़े वर्ग के सारे कंटिन्यूस जारी चल रहे हैं। अभी यात्रा भी चल रही है हमारी, मानव रथ यात्रा वो 17 को यहाँ शहर में है।